दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Empower Education Point में। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग नवरात्रि की शुभ अवसर पे आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। इस पर्व का एक खास महत्व ये होता है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत और असत्य पर सत्य की विजय, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, खास करके पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। तो दोस्तों आज का क्लास एक न्यू चैप्टर के साथ लाए हैं, एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के क्लास में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं दोस्तों क्या है, आखिर इसमें हम लोग क्या जानते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट मेथड जो कि आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी दो लगातार बहुत सारी संख्या दिया रहे लगभग 100 तक और पूछा जाए 100 टर्म कौन सा है, तो ये कैसे जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से चलेंगे और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। दोस्तों देखते हैं आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना क्यों महत्व हो जाता है। रामानुजन जो कि हमारे बीच नहीं रहे, मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया, लेकिन एक ऐसा टॉपिक दे गया पूरे भारतवर्ष को कि आज पूरा वर्ल्ड उनको याद करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में। हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, चाहे वो मैट्रिक हो आईएससी हो। तो इसका महत्व क्या है आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। इसमें लेट्स अगर हमारा पहला जो टर्म है वो A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, AN तक, तो इनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है जिसको हम हिंदी में समांतर कहते हैं वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। जैसे उदाहरण के लिए स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं 2 4 6 8 .. इस तरह से nth टर्म तक जाता है। तो देखिए इन दोनों के बीच के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पर इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 2 आता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आया, यहाँ पर ही 2 ही आया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है प्रश्न के मामले में, क्योंकि इनसे 5-10 नंबर का क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और कभी कभी तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में बदल कर देता है। तो इसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। पहले हम nth टर्म निकालने का लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म निकालने का हम एक फॉर्मूला जानते हैं इसका। दोस्तों अगर हम बात करें A1 की, तो जो पहला टर्म है दोस्त, ये अगर 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो पहला टर्म को हम लोग A मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्त? A1। अगर दूसरा टर्म निकालना हो तो दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आया, 4 माइनस 2, तो दूसरा टर्म अगर निकालना चाहे तो a प्लस डी करेंगे, तो हमारा देखिए a बराबर 2 माने हैं और कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, मतलब तो सेकंड टर्म मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे a बराबर प्रथम फर्स्ट टर्म हो गया, a बराबर फर्स्ट टर्म, और d बराबर हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस जिसको हम सर्वांतर कहते हैं। अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहें तो थर्ड टर्म की बात करें क्या होगा दोस्त, a plus 2d कैसे हो गया, देख लीजिए पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तो तीसरा टर्म निकालने के लिए अगर 2 plus 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर d हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2 2 4 4 2 4 2 क्या हो जाता है 6, तो ये हमारा थर्ड टर्म हुआ। इस तरह से हम लोग टर्म जानते हैं दोस्त। अगर फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो इसमें 3d से मल्टीप्लाई करेंगे, एक घट जाएगा टर्म जो है d में, एक घट जाएगा, जैसे a5 मतलब पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो a plus 4d हो गया डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो an निकालेंगे तो an बराबर क्या होगा दोस्त, a plus यहां पे क्या होगा दोस्त, n से एक कम वाला टर्म आएगा, n minus 1 लिख सकते हैं into d। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है। an को हम लोग tn भी बोलते हैं, an को क्या बोलते हैं tn, तो tn हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, tn क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, an बराबर होता है, an बराबर ही होता है tn। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया सामने, a बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया कॉम, इससे हम बहुत चीजों का पता कर सकते हैं। tn को कहेंगे लास्ट टर्म, n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म, a बराबर फर्स्ट टर्म, और d बराबर क्या कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बात करें तो लास्ट टर्म मतलब अंतिम संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम संख्या, और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दोस्त सर्वांतर, सर्वांतर। ये स्पेशली बताया गया है, सीबीएसई और बीएसई भी दोनों के लिए खास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, दोनों के सिलेबस में है इस टॉपिक से रिलेशन, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हम सारे क्लियर करवाएंगे। बस जितना आपके लिए एग्जाम में जरूरत है उतना ही आपको बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 4, 6 डॉट 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 23rd। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्त, देखिए एक सीरीज में दिया हुआ है एपी में क्वेश्चन कि पहला टर्म हमारा ए है, ए बराबर 2, डी बराबर क्या है दोस्त, 4 में से 2 को घटाइए तो आपको डी निकलेगा, मतलब a2 माइनस a1 बराबर 4 माइनस 2, तो यहां से डी बराबर 2 मिल गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा दिया हुआ है 20, आपको पूछा जा रहा है कि 20th टर्म कौन सा है, 20वां संख्या क्या आएगा, 20वां संख्या क्या आएगा, तो इसके लिए हम फार्मूला आपको दिए हैं tn बराबर a plus n minus 1 into d, जहां पे a पता हो गया, d पता हो गया, n पता हो गया, इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए आपका आंसर तुरंत हाजिर हो जाएगा। देखिए a बराबर 2, n के जगह हम लोग क्या रखेंगे 20 minus 1, और d के जगह हमारा क्या है, d के जगह 2 है, तो यहां पे 2 रख देंगे। इसको कैलकुलेट जब करते हैं तो 2 plus 20 में से 1 गया, क्या हो गया 19 into 2 इक्वल टू, देखिए 2 plus 19 into 2 38, जोड़ दीजिए क्या आ गया हमारा
छोड़ दें, तो 20वां टर्म क्या हो जाएगा दोस्त? 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 1 क्वेश्चन था। अगर TN निकालना हो तो इसमें से तीन वैल्यू आपको पता रहेंगे, A पता होंगे, N पता होंगे और D पता होंगे, तभी आप इसके लास्ट टर्म को निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या आ गया? 40। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला 2 है जी, दो दो बढ़ रहे हैं, तो 20वां जो टर्म होगा 20 × 40 होगा। तो यहाँ पे देखें 20वां टर्म क्या होगा हमारा? 40। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। चलिए क्वेश्चन इसी तरह से हम देखते हैं। इस फॉर्मूले में कोई भी तीन टर्म आपको पता रहे, या तो ये पता रहे, TN पता रहे, A पता रहे, N पता रहे, D निकालना हो, या तो N पता रहे, A पता रहे और TN पता रहे, तो D निकाल सकते हैं। लेकिन अगर N नहीं पता है, N नहीं पता है, TN पता है, A पता है, D पता है, तो N निकालने के लिए हम देखते हैं अगला टाइप में। दोस्तों टाइप नंबर 2 में चलते हैं। देखिए एक आपके बीच सवाल है, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 7, तीसरा टर्म 11, चौथा टर्म 15, इसको बनाएंगे कैसे? स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं a = 3 है। d निकालने के लिए आपको बता दिया गया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 3 क्या आ गया? 4। लास्ट टर्म क्या है आपका, जिसको हम TN बोले थे या AN कहते हैं? AN और TN एक ही है दोस्तों, गड़बड़ा मत जाइएगा। तो ये है हमारा 35। क्वेश्चन के अनुसार देखिए आपको फॉर्मूला एक ही है, TN = A + N - 1 × D, जहाँ पे तीन टर्म आपको पता है, A, D और TN। पता क्या करना है? N = 5, जो 35 है टर्म, लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? कितना नंबर पे 35 आएगा? वो 35 जो है लास्ट टर्म है, आपको n का वैल्यू पता करना है कि कौन सा टर्म जो है 35 आएगा। तो यहाँ पे हम TN के जगह फॉर्मूला रखेंगे 35 = A के जगह हमारा 3 है, प्लस n - 1 × D के जगह क्या हो गया? तो जब ये इधर आया तो यहाँ से दोस्त 3 इधर आने पर चेंज हो जाता है साइन, माइनस में n - 1 × D, सबट्रैक्ट कर ले क्या आएगा? 32 n - 1 × 4। अब ये इनटू में है तो इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा, हम इधर यहीं से कट कर देते हैं। तो 4 जो है 32 को कितना बार में कट करेगा देख लीजिए, 4 8 = 32, n - 1 = हमको मिल गया दोस्त 8। अब देखिए माइनस 1 है, उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 1 में जाएगा, तो n = 9। n² क्या मिल गया? 9। तो ये 9वां टर्म जो होगा वो हमारा 35 होगा। इस तरह से हम लोग आज दो टाइप पढ़े। चलिए कुछ और भी प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों सवाल है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन का, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पहचानने के लिए देता है कि कौन आपका एपी में है कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एपी में आपको डिफिनेशन ही बताए थे कि अगर कोई दो टर्म के बीच, लगातार दो टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसे हम एपी में कहते हैं। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे, हर लगातार दो टर्म को चेक करेंगे। तो 4 - 2 a2 - a1 क्या हो गया दोस्त? देखिए 2 आया यहाँ पे। अब चलिए इसके बगल वाले टर्म को देख लेते हैं, a3 - a2 8 - 4 क्या होता है दोस्त? 4। अब इसके जस्ट बगल वाला देखते हैं, 16 - 8 क्या है? 8। तो हर जगह देख रहे हैं
जब टर्म है वो चेंज होते जा रहा है, तो हमारा रूल क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी हम एपी में कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट हुआ वो एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। चलिए दोस्त अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इनके बीच के कॉमन डिफरेंस को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 0.0 क्या होगा दोस्त, 20 क्या आएगा, 0.02 आएगा। ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के, अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं, 0.222 माइनस 0.22 देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आएगा 0.02। देखिए दोस्त दो ही टर्म से तो पता चल गया हम बाहर आगे क्यों निकाले, ये दोनों सेम नहीं है, तो कह सकते हैं ये भी हमारा एपी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सारे इसी में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा 3+√2 है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, ये दोनों के बीच हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, रूट टू। चलिए अगला भी टर्म ये आता है ये नहीं चेक कर लेते हैं, 3+√2 और सेकंड टर्म हमारा है 3+√2, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया दोस्त। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, इसके आगे एक छिपा हुआ है, तो 2√2 में से 1√2 चला जाएगा, 1√2 बच जाएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे भी रूट टू आया, यहाँ पे भी रूट टू आया, तो अगला टर्म देखते हैं वो भी आता है या नहीं, जरा देख लेते हैं चेक करके। 3+√2 माइनस ये वाला टर्म हमारा यहाँ आएगा 3+√2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए दोस्त ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, इसी तरह यहाँ भी हमने माइनस और प्लस माइनस होगा। ये वाला टर्म हम लिखे नहीं थे, एक ब्रैकेट में रहता है, एक घट के क्या हो जाएगा दोस्त माइनस में। यहाँ पे देखिए अगला टर्म क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। देखिए हर जगह क्या है वैल्यू जो है क्या है हमारा √2, तो कह सकते हैं ये हमारा एपी में है, यस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम जो रूट में है उससे बाहर करेंगे, तो पहला टर्म हमारा √2 हुआ, इसको रूट से बाहर करते हैं तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं जी 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 8। यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है 2 का, अगला टर्म को भी हम इसी तरह से करते हैं, तो ये 18 है, इसको हम 2 × 3 × 3, ये हमारा 18 आएगा। अगला टर्म को देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32। अब जो पेयर में है उसको बाहर निकाल देते हैं दोस्त, जो पेयर बन रहे हैं उसको रूट से बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक ही था, इसमें एक पेयर बन रहे हैं तो रूट से 1, 2 बाहर आ जाएंगे और 1√2 बच जाएंगे, इसमें 3 बाहर आएंगे क्या बचेगा √2, यहाँ पे 2 × 2 बाहर आएंगे तो 2 × 4 बाहर आ जाएगा दोस्त, अंदर में 1√2 बच जाएगा। अब चलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, 2√2 − √2 क्या आ जाएगा √2, फिर यहाँ पे देखते हैं उसी तरह करके 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा √2 ही बचा। अगला टर्म को देखते हैं 4√2 में से 3√2 गया, क्या बचा √2।
हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कह सकते हैं दोस्त ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एपी में ही होगा। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से इसी एपी को विस्तार पूर्वक लॉन्ग आंसर में चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, और अगले वीडियो में हम पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों दशहरा एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहें, हैप्पी रहें, और सभी दोस्तों को अपना सुझाव देकर उनको भी खुश रखें। थैंक यू सो मच।